मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं हूं सलामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। भाजपा विधायक सुरेश धस द्वारा बिहारी महिलाओं पर आपत्तिजनक बयानबाजी पर एनसीपी ने नाराजगी जाहिर की है। दरअसल भाजपा विधायक सुरेश धस ने क्या कहा था बिहारी महिलाओं के बारे में, हम आपको सुनाते हैं। अपन क्या हो गया, उधर मेरे को बेटा हो गया, मेरे को लड़का हो गया, किधर हो गया, उधर आपको पेड़ उधर खेला। इस बयान पर एनसीपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को विधायक जितेंद्र आवाड़ के मार्गदर्शन में सुरेश धस के खिलाफ निषेध किया। इस दौरान धस के फोटो पर कालिक लगाकर चप्पलों से मारा गया। आमदार सुरेश धस यांनी अत्यंत लांछनास्पद वक्तव्य उत्तर प्रदेश आणि बिहार मधल्या माझ्या माता भगिनींबद्दल केलं। राष्ट्रवादीच्या आम्ही सर्व कार्यकर्त्यांनी आज सुरेश धस यांचा निषेध केला। त्यांच्या चित्राला आम्ही जोड्यांनी मारलं, त्यांच्या फोटोला काळं फासलं आणि राष्ट्रवादी पक्षातर्फे आम्ही ठाणे शहरामध्ये त्यांना पाऊल ठेवू देणार नाही, जोपर्यंत ते उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधल्या तमाम माझ्या माता भगिनींची माफी मागत नाही आणि भाजपनेही त्यांना आमदारकीवरनं दूर करावं। उत्तर भारतीय समाजाचा अपमान हा भारतीय जनता पार्टीने केलेला आहे। भारतीय माता आणि बहनोका, जो सुरेश धस भाजप आमदार चरित्र हनन किया है, उसके विरोध में आज हमारे उत्तर भारतीय समाज, हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है। हिंदी यदि मेरी माँ है तो मराठी मेरी मौसी है और महाराष्ट्र की भूमि ने हम लोगों को सब कुछ दिया। हम आज 1000 सालों से महाराष्ट्र की भूमि पे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं। जितना हमारी माँ नहीं याद करती उतनी हमारी मौसी हमको याद करती है। और इसके साथ में जो ये भाजपा आमदार सुरेश धस ने हमारे समाज के साथ, हमारे साथ जो हमारे माताओं बहनों का चरित्रहनन किया है, हम उसका निषेध करते हैं। अभी आज थाना की भूमि से माननीय आमदार जितेंद्र आवाड़ साहब के मार्गदर्शन में, आनंद परांजपे साहब के सहयोग से ये हमारा आंदोलन शुरू हुआ है। रंकांपा अध्यक्ष आनंद परांजपे ने आरोप लगाया कि भाजपा देश की संस्कृति को खराब कर रही है, जिस तरह से बयानबाजी की है इससे बिहारी महिलाओं का अपमान हो रहा है। वहीं उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष प्रभाकर का कहना है कि देवी का रूप स्त्री होती है, उसका अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रदर्शन में शहर के अध्यक्ष आनंद परांजपे, हिंदी भाषी सेल के प्रभाकर सिंह और तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।